नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। शामली के कैराना में एक युवक का अवैध तमंचे के साथ नोट उड़ाते हुए डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पैंट में तमंचा लगाकर बेखौफ डांस करता दिख रहा है और अपने दो अन्य साथियों के ऊपर नोटों की बरसात कर रहा है, जिसका वीडियो साथी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है और वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान सफदर के रूप में हुई है। आरोपी सफदर कैराना के गांव अकबरपुर सुनहेटी का बताया जा रहा है। वीडियो करीब दो महीने पहले का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों की पहचान कर आरोपियों को अवैध असला सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुई थी जिसमें तीन युवक अवैध तमंचे के साथ दिखाई दे रहे थे और इस वीडियो की जब जांच की गई तो यह वीडियो कैराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अकबरपुर सुनेटी का पाया गया और इसकी आधार पर इसमें तीनों युवकों की पहचान की गई, जिनकी पहचान तनवीर, सफदर और छंगा के रूप में हुई। इन युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इनके पास से तीनों के जो अवैध तमंचे थे वो भी बरामद किए गए हैं। इसी बरामदगी के आधार पर इन तीनों युवकों को अभियोग पंजीकृत करके इसमें आगे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।